मित्रों, मंत्र जप एक ऐसा उपाय है जिससे हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और हमारे हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। तो आइए मित्रों, मिलकर जानते हैं कि कितना शक्तिशाली है गायत्री मंत्र और किस स्थिति में ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मित्रों, इसका अर्थ है कि सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं और परमात्मा का यह तेज हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। ज्योतिष शास्त्र में इस मंत्र को सही समय और नियम पूर्वक करने के कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि कब ये मंत्र शक्तिशाली से खतरनाक में भी परिवर्तित हो सकता है। तो मित्रों, बता दें कि गायत्री मंत्र मुख्य रूप से वेदों की रचना है। इस मंत्र को यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों को मिलाकर बनाया गया है। गायत्री मंत्र के जाप मात्र से ही मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इस मंत्र का जाप करने के कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। तो मित्रों, वेदों पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र के जाप के लिए तीन शुभ समय बताए गए हैं, जिनमें से पहला है सूर्योदय से पहले, दूसरा है दोपहर का समय और तीसरे समय के बारे में बताया गया है कि शाम को सूर्यास्त से पहले इसका जाप शुरू करके सूर्यास्त होने पर खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि हमेशा गायत्री मंत्र का सही उच्चारण ही करना चाहिए। इसका जाप मन में ही किया जाए तभी उत्तम माना गया है। इसके जाप के दौरान कुश के आसन पर बैठना और पूर्व या फिर पश्चिम की ओर मुख करके तुलसी या फिर चंदन की माला से इसका जाप कर सकते हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकता है। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए ये एक महामंत्र है जिससे वो अपनी एकाग्रता को और बेहतर कर सकते हैं। वहीं अगर गायत्री मंत्र का ठीक तरीके से नियमित जाप किया जाए तो आपका क्रोध भी शांत होता है और व्यक्ति को तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और तो और, इसके जाप से आपकी कुंडली पर भी असर पड़ता है। इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर होती है और समाज में सम्मान भी बढ़ता है। इन सबसे हटके गायत्री मंत्र में 24 शक्तियां समाहित है, जो है सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, निष्ठा शक्ति, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, काल शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, आदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति। अब मित्रों, आइए समझते हैं कि शक्तिशाली और सिद्धियों से भरपूर होने के बावजूद ये गायत्री मंत्र खतरनाक साबित कब होता है। तो मित्रों, वास्तव में गायत्री मंत्र भक्त को साधना की गहराई में ले जाता है, जहां उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, फिर चाहे मंत्र जप किसी भी इच्छा से क्यों ना किया गया हो। वहीं गायत्री मंत्र का अधिक जप व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाता है। एक उचित सीमा से ज्यादा देर तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति साधु के स्वभाव वाला हो जाता है। उसमें घर परिवार और दुनिया के प्रति आकर्षण घटता जाता है और वो अपने इष्ट देव के चरणों की भक्ति में ही खोने लगता है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति के सारे पिछले पाप और पुण्य भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में उसकी सुख समृद्धि भी समाप्त हो सकती है और वो दरिद्र बनने लगता है। हालांकि उसे जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, स्वयं मां लक्ष्मी उसके कार्य पूरे करने के लिए आती है, लेकिन अपने आम जीवन में पैसा उसके पास नहीं टिकता। गायत्री मंत्र बताए गए समय में न करके किसी और समय में किया जाए तो इससे भी आपके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में मनुष्य के जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। सूर्यास्त के बाद और मध्य रात्रि में इसका जाप कभी नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति पतन की ओर जा सकता है। साथ ही मित्रों, अगर कोई व्यक्ति गलत उद्देश्य के लिए गायत्री मंत्र को सिद्ध करता है या फिर अशुद्ध स्थिति में
गायत्री मंत्र का जाप करता है तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को धन व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही परिवार में कलह कलेश उत्पन्न होता है और काल का भय भी बनता है। तो मित्रों, आज हमने समझा कि गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है और किस स्थिति में ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।